बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तोलबा, आज सब्जेक्ट बायोलॉजी के हवाले से आठवां लेक्चर ऑनलाइन किया जा रहा है। आज का जो सवाल है वो है व्हाट आर बायो एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन देखें। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जिंदगी का इनसार लिविंग मैटर या प्रोटोप्लाज्म पर है। और ये लिविंग मैटर या प्रोटोप्लाज्म हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो बनाते हैं। अब तक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जिनको डिस्कवर किया गया है वो 92 हैं। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स 92 आउट ऑफ 92 16 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स सो दीज 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स इन 16 एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। अजीज तुलबा, इन 16 एलिमेंट्स जिन्हें हम बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं इनको क्लासिफाई किया गया है इन टू 3 ग्रुप्स। इन बायो एलिमेंट्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। बायो एलिमेंट्स को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया। नंबर 1 मेजर एलिमेंट्स, नंबर 2 ट्रेस एलिमेंट्स, और नंबर 3 अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स। तो
ये तीन ग्रुप्स हैं जिनमें उन बायो एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया। अब ये जो मेजर एलिमेंट्स हैं इनकी तादाद 6 है और ये 99% बायो मैस बनाते हैं। ट्रेस एलिमेंट और ये जो अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स हैं ये दोनों ग्रुप मिलकर जस्ट 1% बायो मैस बनाते हैं, लेकिन जो ट्रेस एलिमेंट है उनकी तादाद 6 है और जो अल्ट्रा ट्रेस है उनकी तादाद 4 है। इस तरह 6 और 6, 12 और 4, 16। तो ये जो 16 एलिमेंट्स हैं इनको क्लासीफाई किया गया है इन टू 3 ग्रुप्स। अब सबसे पहले मेजर एलिमेंट्स जिनकी तादाद 6 है वो कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। ये 6 जो है मेजर एलिमेंट कहलाते हैं। अब इन 6 मेजर एलिमेंट की बॉडी के अंदर जो परसेंटेज है उसका जिक्र करेंगे। ऑक्सीजन 65%, कार्बन जो है वो 18% होती है, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस जस्ट 1%। अब अजीज तुलबा इन मेजर एलिमेंट के नाम और इनकी परसेंटेज को याद करने का तरीका भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसकी जो सिग्निफिकेंस है इस सवाल की मैं उसका भी जिक्र करना चाहूंगा। ये जो मेजर एलिमेंट्स हैं या ट्रेस एलिमेंट्स हैं या अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट हैं इनमें से किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछी जा सकती है या कोई भी एलिमेंट वहां लिखा हुआ होगा ऑब्जेक्टिव पेपर में कहेंगे कि ये मेजर है, पूछ सकते हैं मेजर है, ट्रेस है या अल्ट्रा ट्रेस है। तो मेजर एलिमेंट 6 हैं और ये उनकी परसेंटेज है। तो अजीज तुलबा सबसे पहले आप अगर इन मेजर एलिमेंट की ये जो तरतीब है इसको याद कर लें तो उसके बाद उसकी जो परसेंटेज है वो किस तरह याद करते हैं, कैसे याद की जा सकती है, तो वो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि अगर इन मेजर एलिमेंट के नाम आप यूं याद करें तो उसके साथ साथ उनकी परसेंटेज यहां से याद करना शुरू ना करें, नीचे से 1, 2, 3, 10, 18, 65। तो बआसानी आप मेजर एलिमेंट की परसेंटेज को याद कर सकते हैं। मेजर एलिमेंट 6, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। अब इनकी परसेंटेज 1, 2, 3, 10, 18, 65। तो इस तरह अजीज तुलबा आप मेजर एलिमेंट की परसेंटेज को बआसानी याद कर सकते हैं और ये भूलेगी भी नहीं आप। उसके बाद जो है जो ट्रेस एलिमेंट हैं उनकी तादाद भी 6 है, पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन।
अब इनकी परसेंटेज 0.35%, 0.25%, 0.15%, 0.15%, 0.05% और 0.004%। अब बेटा ये जो ट्रेस एलिमेंट हैं इनके नाम इस तरह याद करने और परसेंटेज भी इनकी इसी तरह याद करनी है। 0.35 10 कम कर दें, 0.25 फिर 10 कम कर दें, 0.15 दो दफ़ा आ गया, फिर 10 कम कर दें, 0.05 फिर आखिर में 0.004%। तो उसके बाद जो है ये जो अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट हैं वो चार हैं, जिंक, मैगनीज, कॉपर और आयोडीन। ये चार अल्ट्रा ट्रेस हैं यानी ट्रेस से भी कम, और इनकी मिकदार जो है इतनी कम होती है या निगलिजिबल अमाउंट में होती है, इसलिए इनकी परसेंटेज जो है या इनकी मिकदार को जो है वो इतनी आसानी से मैयर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी बॉडी के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं और बायोमास बनाते हैं। तो आज का जो सवाल था वो बायो एलिमेंट्स के हवाले से था, तो इनको आप बआसानी याद भी कर सकते हैं और याद करने के बाद अगर आप रफ के ऊपर लिख लें इनकी परसेंटेज को और इनके नाम को, तो इंशाल्लाह आपको यानी वो जो है आगे चलकर इसका फ़ायदा होगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।